के बारे में वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, अगर आप इंटरनेट सर्च करोगे तो आपको हजार एक्सरसाइजेस मिलेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली आज मैं बात करने वाली हूँ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। सो अगर आपके पेशेंट के हाथ में पैर में टाइटनेस है, स्पास्टिसिटी है, तो भी ये एक्सरसाइजेस आपको काम आएगी। अगर बिल्कुल भी टोन नहीं है, एकदम फ्लैसिड है, तो भी ये एक्सरसाइजेस काम आएगी। आपको बेसिकली क्या करना है, उनके हाथ में और उनके पैर पे आपको वजन डालना है, उसको कहते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। ओके, तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट को बिठाइए, और अगर वो खुद बैठ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उनके साथ बैठ सकते हैं, और उनके हाथ को आप इस तरह से रखिए बेड पे। ओके, अगर उनके एल्बो में स्टिफनेस है तो उनका हाथ ऐसे रहेगा, अगर वो कंप्लीट लूज है तो वो ऐसे हो जाएगा। इन बोथ द केस आपको यहाँ पे बैठना है और आपको यहाँ से स्लोली पुश करना है, और या फिर आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो। पेशेंट ऐसे बैठा है, आप उनके हाथ पे बैठिए और पेशेंट के एल्बो को आप स्टेबिलाइज कीजिए लाइक दिस, और उनको स्लाइटली इधर और इधर ऐसे शिफ्ट होने के लिए बोलो। इससे उनका ये जो टोन उनके हाथ में होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, आपको इमिडिएटली लगेगा कि हाथ रिलैक्स हो गया है। ये जो उनकी मुट्ठी टाइट बंद है वो खुल जाएगी, और ये आपको 5 to 10 minutes करते रहना है। साइड टू साइड उनको वेट शिफ्ट करने के लिए बोलिए लाइक दिस, या फिर आप इसमें अलग अलग आप एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हो, जैसे कि आप उनके सामने खड़े रह के उनको आपको ताली देने के लिए बोल सकते हो, कभी इधर से कभी उधर इधर। सो इसको हम रीचिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अगर वो रीच करेंगे सो और अलग अलग मसल पे वो वेट जाएगा, और उधर का भी टोन बढ़ेगा, या फिर अगर टाइट है तो वो कम हो जाएगा। सो ऑल फोर साइड उनको रीच करने के लिए बोल सकते हैं, ऊपर दिस साइड, और आप यहाँ से उनको हाथ दे सकते हैं, आप उनको बस आपको टच करने के लिए बोलिए। ये उनका बैलेंस के लिए भी ये अच्छी एक्सरसाइज है, और टोन कम करने के लिए भी। सो दिस इज वन थिंग, फर्स्ट वी डिड दिस, सेकेंड वी डिड रीचिंग, थर्ड पेशेंट को आप साइड टू साइड शिफ्ट होने के लिए बोल सकते हैं। इससे उनके हिप्स में भी स्ट्रेंथ आएगी, उनके कमर में भी स्ट्रेंथ आएगी, एंड ये एक्सरसाइजेस आप दूसरे या तीसरे दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप लाइक एडवांस स्टेजेस ऑफ स्ट्रोक में हो तो भी कर सकते हो। सेफ एक्सरसाइजेस, वेरी इफेक्टिव एंड कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस जो हर फिजियोथेरेपी सेटअप में यूज होते हैं। तो उनको पैर पे रख के ऐसे हॉप होके साइड में बैठने के लिए बोलिए। दिस इज शिफ्टिंग फॉर योर बैक, एंड अगेन पेशेंट इज शिफ्टिंग वेट। सो अगर वो खुद नहीं उठा सकते हाथ तो आप उनका हाथ उठाइए, साइड में रखिए, उनको कमर उठाने के लिए बोलिए, साइड शिफ्ट होने के लिए बोलिए, अगेन उनको हाथ स्लाइड करने के लिए बोलिए, नहीं कर सकते आप हेल्प कीजिए, एंड दिस वे। दिस इज फर्स्ट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज ऑन हैंड जो हम बेड के कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज हम बेड पे करेंगे ये पोजिशन में, पेशेंट को ये पोजीशन में आने के लिए बोलिए, और उनको आगे पीछे रॉक करने के लिए बोलिए साइड टू साइड। अगेन हम हाथ पे और नी पे दो घुटने पे दोनों जगह पे वेट डाल रहे हैं, अगेन इट इज वेरी इफेक्टिव। सो पेशेंट को ऐसे साइड टू साइड करने के लिए बोलिए। अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में है, थोड़ी उम्र में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो ये पोजिशन में उनको एक हाथ छोड़ के आपको टच करने के लिए भी बोल सकते हो इफ पॉसिबल। सो बोथ साइड उनको अलग अलग डायरेक्शन में टच करने के लिए बोलिए। ओके, सो ये पोजीशन में वैसे बैठ सकते हैं, अगेन वेट हाथ पे लीजिए, पीछे जाइए, अगेन हाथ पे वेट लीजिए। सो दिस इज अगेन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज सेकेंड। थर्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो स्टैंडिंग में कर सकते हैं। सो उनको ऐसे हाथ रखने के लिए बोलना है और बस ऐसे वेट शिफ्ट कीजिए। आप अगर वो खुद नहीं कर सकते, आप उनके हाथ पे हाथ रखिए, एक हाथ उनके हाथ पे रखिए, दूसरा हाथ से उनके एल्बो को स्टेबलाइज कीजिए, और उनको ऐसे वेट शिफ्ट करने के लिए बोलिए, आगे पीछे साइड टू साइड, इधर भी उनको ऐसे रीच करने के लिए आप बोल सकते हो यहाँ यहाँ। सो इस तरह से वेट बेयरिंग एक्सरसाइज आप अलग अलग पोज में जो भी आपके पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो उनसे आप करवाइए। इससे उनका टोन कम हो जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने में, स्टेबिलिटी में आने में, और ग्रिप
मुट्ठी खुलने में हेल्प हो जाएगी। ओके सो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आपको ऐड करनी चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर स्ट्रोक रिलेटेड और फिजियोथेरेपी रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो। आई रियली होप कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो। टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।